सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में कभी भी हार न मानो, क्या पता आपके अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और सद्गुरु से प्रेम है तो समर्पण करें। कोई भी इंसान हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर इस दुनिया में नहीं आता, हमारा व्यवहार और बोलने का तरीका ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाते हैं। आज का पंचांग 5 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 3:45 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र शाम 4:52 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:35 से 5:07 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 5 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार, आज आप सामान्य से अधिक भावनात्मक हैं, दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर कार्य का दबाव रहेगा जिससे थकान का अनुभव करेंगे। कुछ कार्य सहकर्मियों को दे दें या कल के लिए बचा कर रखें। काम थोड़ा भले ही करें लेकिन गुणवत्ता बनाए रखें। आज किसी खास व्यक्ति के साथ स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन व्यापारिक कार्यों में कोई रुकावट आ सकती है। कार्य क्षेत्र पर काम धंधे से संबंधित कार्यों में कोई न कोई रुकावट बाधा देखी जाएगी जिसके चलते किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। कोई सरकारी आर्थिक पेनाल्टी भी आज आपको भरनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी किसी भी प्रकार की प्रलोभन रिश्वत आदि के कार्यों से दूर रहें। घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर कोई ना कोई बहस हो सकती है, आपसे मतभेद देखे जा सकते हैं। अच्छा आपको शरीर के निचले हिस्से में कोई परेशानी हो सकती है, हल्का आहार लेना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। आज के दिन आपके लिए भागदौड़ भरा रह सकता है। आज के दिन विद्यार्थियों के लिए बेहतर रहने वाला है क्योंकि किसी खेल प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेंगे जिसमें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आपको परिवार के सदस्यों से हर संभव मदद मिलेगी जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र की सदस्यों को सुलझाने में सफल रहेंगे। आपको जीवन साथी के करियर में तरक्की देखकर प्रसन्नता होगी लेकिन नौकरी से जुड़े ज्यादा कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धियों से आगे रहेंगे जिसके कारण वह उनकी चुगली लगातार उनकी वेतन भर्ती में बाधा बन सकता है। संध्याकाल के समय आप किसी नए व्यवसाय की योजना भी बना सकते हैं। सावधानियां, समस्याओं को लेकर भागदौड़ में लगे रहेंगे लेकिन आपकी माता जी के किसी मन की इच्छा की पूर्ति न होने के कारण वह आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको अपने लंबे समय से रुके हुए कार्यों के प्रति भी ध्यान देना होगा तभी आप उनसे लाभ कमा पाएंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी किसी समस्याओं को साझा भी करेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप अपने प्यार के लिए अपने मन को टटोल कर देखेंगे। पहले आपके प्यार और रिश्तों में बचपना दिखाई देता था परंतु आप प्रेम और रिश्तों में आपका दृष्टिकोण कहीं अधिक समझदार और परिपक्व हो गया है। अब आप में स्पष्ट रूप से यह विचार विद्यमान होगा कि आप इस रिश्ते और अपने साथी से क्या चाहते हैं और बदले में आप उसे कितना दे सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज आप एक लापरवाह और असाधारण अवस्था में रहेंगे। आज के दिन आप किसी पार्टी के आयोजन में आनंद लेंगे और आसपास के व्यक्तियों को प्रभावित भी करेंगे। आज आप ये नहीं सोचेंगे कि धन कहां से आ जा रहा है जिसकी वजह से आपके वित्त पर एक नकारात्मक असर
पड़ने की संभावना है। हालांकि आपकी लापरवाही के बावजूद आपका वित्तीय स्वास्थ्य सही रहेगा। बात करते हैं सेहत की। यह आपके लिए खासी शर्मिंदगी उठाने वाली स्थिति हो सकती है। क्या आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज गुस्सा आ जाए? अपने इस रिएक्शन के लिए आप अपने दिमाग पर जोर ना डालें। गलतियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जिस भावनात्मक तूफान से गुजर रहे हैं या उसका नतीजा भी हो सकता है, सबसे पहले उसका समाधान करने की कोशिश करें। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं या सरसों के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।